प्रवेश द्वार है जो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया बुद्धगया, ये प्रवेश द्वार का ये नज़दीकी से भगवान बुद्ध की ये मूर्ति है, जहाँ पे 5 और 6 तारीख दो दिवसीय कैडर कैंप होने जा रहा है। अभी हमारे जो अबाचका के महासचिव IRS बुद्ध मित्र जी अभी काफ़ी व्यस्त हैं, और जो राष्ट्रीय जो स्तर के जो अबाचका के RR भोसले जी वो हमारे बीच में आ चुके हैं, और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बिजी हैं। कल दो दिवसीय जो प्रोग्राम है, दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ, दो दिन का प्रोग्राम है, दो दिवसीय, और काफ़ी दूर दूर के लोग शिरकत कर रहे हैं बोध गया में। सर अभी आप तो काफ़ी बिजी है सर, 2 मिनट मिल सकता है सर? सर जो दो दिवसीय जो मीटिंग है, कैडर कैंप है, काफ़ी दूर दूर के लोग आ रहे हैं, कुछ कह सकते हैं उसके बारे में? कुछ हमारे जो दर्शक हैं देख रहे हैं, जैसा कि पूरा देश जानता है कि और पूरा विश्व जानता है कि सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व की प्राप्ति इसी बोधगया ज्ञान स्थली में हुआ था, जिससे कि उनको तथागत बुद्ध कहा गया। इस बुद्ध के ज्ञान स्थली में भारत में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में जो योगदान दिया है, उसी विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन इस ज्ञान स्थली में किया गया है, जिसमें पूरे देश के लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। और ये जो सेमिनार का विषय बना हुआ है, कॉन्फ्रेंस का जो विषय बना है, कि भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का योगदान तथा बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को बढ़ाने में हम सब का दायित्व, विशेष संगोष्ठी का सेमिनार का आयोजन किया गया है, और जो 5 जनवरी को और 6 जनवरी को दो सेशन में चलेगा कल, और फिर एक बार दो सेशन में परसों 6 तारीख को भी चलेगा। और यही नहीं, सबको पता है कि 3 विधाएं सीखने की, देख करके, सुन करके और पढ़ करके। तो जो कल और परसों का जो कार्यक्रम है, पूरे जो भारतवर्ष से प्रतिनिधि लोग प्रतिभाग जो कर रहे हैं, तो इस ज्ञान स्थली को देखेंगे भी, देखकर सीखेंगे, जो सेमिनार है उससे भी सीखेंगे, और बाद में पढ़ करके बुद्ध के बारे में जानेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को समझेंगे, और अपने जो कंट्रीब्यूशन है फैलाने के लिए बाबा साहब, उसको भी सीखने का काम करेंगे। इसीलिए ज्ञान स्थली बोधगया का चयन किया गया है। और जब सारे डेलीगेट्स महाराष्ट्र से बाबा साहब पी भोसले राष्ट्रीय अध्यक्ष अबाचका आ चुके हैं, और आपके बिहार प्रांत के परम आदरणीय अध्यक्ष राजकुमार भारती जी, महामंत्री मौलेश पासवान जी अपने साथियों के साथ आ चुके हैं, और विभिन्न जिलों से, दिल्ली से भी लोग आ चुके हैं, और आपके लखनऊ से भी आ चुके हैं, और महाराष्ट्र से आ ही चुके हैं, और सारे प्रांतों के और ज़िले के लोग आ रहे हैं। थैंक यू, नमो बुद्धाय जय भीम। अभी हमारे बीच में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जानना चाहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है समतावाज टीवी पे। सर आपको बोधगया में कैसा लग रहा है, जो दो दिवसीय का जो कैंटर कैंप है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो आप आपकी बातों को भी सुनने के लिए है ना, कुछ तो शायद आपको देखने के लिए इतने दूर दूर से आ रहे हैं जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। एक कल और परसों यहाँ बहुत ऐतिहासिक, एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि भगवान बुद्ध जो गौतम थे 2500 साल पहले, उनको यहाँ इसी बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति हो गई। और वो खाली बुद्ध ही नहीं तो सम्यक संबुद्ध बने, और पूरी संस्था, पूरी व्यवस्था को उन्होंने उखाड़ के, मनुवादी व्यवस्था थी इस भारत में, उसको उखाड़ के फेंकने में सक्षम रहे भगवान बुद्ध। और समता मूलक समाज और सबको जाति विहीन, जाति विरहित एक व्यवस्था भगवान बुद्ध के समय में निर्माण हुई। बहुत राज्य भगवान बुद्ध के शरण आ गए और भगवान बुद्ध को फॉलो करने लगे। उसके बाद फिर भगवान बुद्ध के जाने के बाद 500,000 साल के बाद, जब भी अशोका के बाद, फिर मनुवादियों ने वापस अपनी व्यवस्था जो विषमता पर आधारित है, उसी व्यवस्था को लाने की कोशिश की, और उसमें वो बहुत हद तक सक्सेस रहे। और उसके बाद 2000
साल के बाद बाबा साहब 2500 साल के बाद ऑलमोस्ट बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ इस देश में भारत में भगवान बुद्ध का नाम तक लेना लोग पसंद नहीं करते थे और बुद्ध को तो भूल गए थे, बुद्ध की शिक्षा की जो बात ही दूर है, बुद्ध को ही भूल गए थे भारत में। उसी को बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पुनर्जीवित किया और 6 दिसंबर 1956 को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में उन्होंने दीक्षा दी और फिर बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की। महिला धम्म की उद्घोषणा बुद्ध ने की, उसी को पुनर्जीवित अशोका ने किया। फिर तीसरे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे फॉलोअर हैं, हम उनके फॉलोअर हैं, उन्होंने 1956 में इसको पुनर्जीवित किया और बाबा साहब जाने के बाद उसको पूरा भारत वर्ष में फैलाने का काम आवाज़ का कर रही है। उसी का एक कड़ी से शुरुआत, ये हमारी शुरुआत है और अगला 50 साल तक हम लोग ये मिशन को बहुत ज़ोर से, अभी तो ये शुरुआत है।